भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया तथा भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने आज बूथ संपर्क अभियान का शुभारंभ गढ़ गणेश मंदिर चमुशे किया। इस अभियान में मोदी सरकार 2.0 के एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण पत्रक, प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 घरों में दो दो कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम से पूर्व भाजपा पदाधिकारियों द्वारा विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का माला व सपा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व की वजह से देश में लॉकडाउन सफल रहा और हमारा देश आज कोरोना महामारी से अन्य देशों के मुकाबले सुरक्षित रह सका है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का इतना कमाल था कि आज भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष बना हुआ है। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चौमू विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य करने के लिए विधायक रामलाल शर्मा का अभिनंदन किया तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं का भी जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बूथ संपर्क अभियान पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि आने वाले समय में हमें मुंह पर मास्क लगाना, 2 गज दूरी और बार बार अपने हाथों को धोना, इन सब चीज़ों को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज से पूरे राजस्थान में बूथ संपर्क अभियान का शुभारंभ किया गया है। वहीं इस मौके पर जयपुर जिला देहात उपाध्यक्ष बजरंगलाल सोनी, चौमू विधानसभा प्रभारी रामोत्तर अग्रवाल, नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना कुमाव सहित भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं, राजनीतिक अनुभव खूब हैं, लेकिन मैं खुद विस्मित हूँ कि कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इस तरीके से सेवा कर सकते, मैंने कल्पना नहीं करी जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करी। आपने अपने स्थान पे की पूरे राजस्थान भर में, और यही कारण है कि लोगों को पार्टियों का फर्क समझ में आने लग गया। मैं शुरू में ही कहता था कि ऐसी महामारी 100 बरस में आती है, इस महामारी के दौरान कोई हिम्मत के साथ काम करेगा उसको दुनिया याद रखेगी। इसलिए मैं आपके विधायक जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने भी पूरी दिलेरी के साथ आप सब लोगों को बांधे रखा, संभाले रखा, और नेता का फर्ज भी यही है, परिवार हमारे भी हैं, जिम्मेवारियां हमारी भी हैं, लेकिन इस बात की यदि हम लोग ये सोच लेते कि नहीं 2 महीने जागना ही नहीं है तो हम पर भरोसा कौन करता। और यही कारण है कि जब जब जरूरत पड़ी हम लोग गए, मनोबल बढ़ाया, और यही कारण था कि मोदी जी के कारण पूरे देश में एक मनोबल का निर्माण हुआ।